हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ मौली, मौली इंडियन ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर कलकत्ता। तो देखिए, रूम से निकल चुकी हूँ और जा रही हूँ अभी सुमी को लेने के लिए। इधर चंदन आ चुका है और रूही सामने बैठी हुई है चंदन के साथ, और अभी रुके हुए हम सुमी के घर के सामने। तो उसके बाद वो लोग उठेगा, हम लोग जाएंगे स्टेशन। और अभी बज चुके सुबह के 7:30 मॉर्निंग का। ये देखिए, आ गए हम लोगों का चंदन, और दूसरे बाद आ रहे हैं जो हम लोग का खुड़ीमा है, उन लोगों का घर का सारा मेंबर आ रहा है इधर। तो ऐसे सुमी भी रेडी हो चुका है, सब उसको बाय बाय करने के लिए आ रहा है इधर। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे स्टेशन। सबका मन भारी हो चुका है क्योंकि जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए घर। तो उसके बाद सबको बाय करके हम लोग निकल चुके हैं। तो चलिए अभी चलते हैं स्टेशन की तरफ। तो हम लोगों का ट्रेन है 9 बजे, जिसके पहले 8:30 बजे तक रोंगिया जंक्शन में हम लोगों को पहुंचना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अभी। तो आ गए हम लोग रोंगिया जंक्शन में। देखिए कितना बड़ा है, कितना अच्छा से डेकोरेशन किया गया है रोंगिया स्टेशन को। तो ये हम लोगों का रोंगिया स्टेशन, इधर से हम लोगों को ट्रेन मिलेगा। तो चलिए पहले तो गाड़ी से उतरना है, उसके बाद जाके हम लोग चार्ट देखेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है स्टेशन का नज़ारा। तो हम लोग सब इधर रुके हुए हैं। तो ये है स्टेशन का अंदर का व्यूज। तो उधर ट्रेन गाड़ी नंबर दे दिया है, हम लोगों ने देख लिया है गाड़ी नंबर कितना है। तो को स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर A1 में दिया है। देखिए स्टेशन का कैसे पोछा लग रहा है, सिस्टम भी मतलब दूसरा है, बहुत अच्छा लगा है सिस्टम। देखिए कैसे पूरा स्टेशन को ऐसे करके पोछा लग रहा है, नीट क्लीन हो चुका है पूरा स्टेशन। तो चलिए अभी स्टेशन के अंदर जाती हूँ। प्लेटफॉर्म अंदर A1 में दिया हुआ है ट्रेन। तो सामने जा रहा है रूही, रूही के पापा, चंदन, जो जा रहे हैं हम लोगों के साथ कलकत्ता। तो सब मिलके अभी जा रहे हैं। कितना बड़ा पंखा है इधर देखिए। तो चलिए अभी चलते हैं और सारे मिलके जा रही हूँ स्टेशन के अंदर। चलिए अभी जब तक ट्रेन नहीं आते हम लोग वेट करते हैं। आई बज रहे 8:30 और आएगा 9 बजे ट्रेन। तो चलिए अभी चलते हैं। तो न्यू शिलीगुड़ी के बाद से ये चाय के बगान नहीं है सारे, वो इसलिए मैंने आप लोगों को वीडियो के साथ दिखाया। देखिए कितना सारे चाय के बगान है। तो देखिए कितना मज़ा आ रहा है देखने में, बहुत ही अच्छा है।
तो इधर खाना वाना हो चुका है, इधर रुई या सुई मिल के सो रही है एक सीट पे। हाँ, मैं एक सीट पे बैठी हुई हूँ। तो अभी तो मतलब 2-3 बजे हैं और भी जाना है अभी तक, बहुत टाइम है। मतलब दूसरे दिन सुबह 3 बजे हम लोग निकले पहुँचेंगे मम्मी के घर पे, मतलब स्टेशन पे। और तब तक तो जाना ही है। मतलब पूरा दिन ट्रेन पे, मुझे पहले में ट्रेन पे चढ़ना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आजकल क्या है, ट्रेन पे चढ़ना मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मतलब कब मैं पहुंचूंगी, कब मैं ट्रेन से उतरूंगी, यही लगता है। फिर भी जाना तो है ही, जाने का एक मज़ा है, लेकिन ट्रेन का ये सफ़र बहुत लंबा चलने वाला है। सुबह 9 से दूसरे दिन सुबह 3 बजे तक चलेगा। तो चलिए अभी देखिए कितने सारे चाय के बागान हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग्स बहुत ही अच्छा है। मतलब चाय के बागान के ऊपर के बीच, मतलब चाय के बागान के साइड से ट्रेन निकल रहा है, दोनों साइड पे ही है, उस साइड पे भी चाय के बागान है, इस साइड पे भी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और मैं वॉइस इसलिए नहीं दे रही हूँ, मैं बाद में वॉइस ऐड किया है इसमें मम्मी के घर पर आके, और इतना बिजी था मैं, मतलब डे टू डे मैंने मेरा वीडियो आपको नहीं दे पाया, लेकिन सीरियल में मैं दूंगी, हर रोज़ देने के लिए कोशिश करूंगी। इसलिए मैंने आज 2-3 दिन बाद मैंने मुझे टाइम मिला, तो आज मैंने एडिट करके, जब भी हो रात में भी हो तो मैं वीडियो पोस्ट करके ही रहूँगी, तो इसी सोच में आज वीडियो एडिट। तो अभी बच्चों के शाम के पास मैं बाल बाल बांध लिया है, और अभी क्रीम व्रीम लगा के बैठ रही हूँ, नहीं तो पूरा जो है ना बहुत ही बेकार लगता है, बहुत ही मतलब इतना अच्छा भी फीलिंग नहीं आता है। रुई को भी मैंने, रुई और सो रही है तो रुई भी उठ जाएगी, उसके बाद उसको भी क्लीन कर दूँगी। और मैं अभी थोड़ा सफाई कर रही हूँ, मुँह उठूँ तो धो के, उसके बाद बाल भी बांध लिया है, क्रीम भी लगा लिया है। तो मैंने सोचा आप लोगों को शेयर करूँ, बहुत यूट्यूबर करता है इसलिए मैंने ये भी शेयर कर दिया। लिपस्टिक दिखाने के लिए मन नहीं था आप लोगों को दिखाओ, लेकिन मैं लगा रही थी, आईना नहीं था इसे दिखा कर मैं लगा रही थी। तो चलिए आगे वीडियो दिखाते। तो इधर पे देखते देखते देखिए सूरज भी ढल चुका है, मतलब शाम हो ही चुका है, सूरज ढल रहा है। तो अभी बच चुका है 5:30 या 5:30 के लगभग बच चुका है, सूरज का भी बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छे से सूरज भी दिख। तो इधर पे रुई और सुमी भी उठ चुकी है नींद से, तो उन लोगों का नींद भी पूरा हो चुका है। तभी सुमी रुई का बाल बांध रही है, तो बाल बांध दे, उसके बाद हम लोग थोड़ा बैठेंगे, आज तो पूरा दिन ही बैठना पड़ेगा। तो सुमी ने भी बहुत हेल्प किया मुझे, और सूरज को देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने के लिए, ट्रेन भी थोड़ा रुका हुआ है। चाय के बगान के ऊपर सूरज ढलती हुई कितनी अच्छी लग रही है, देखिए सूरज भी जो है पूरा लाल हो चुका है, बहुत ही प्यारी लग रही है सूरज को देखने के लिए, तो मन भर रहा है देख के। और ट्रेन भी बहुत स्लो जा रहा था इधर से, तो मैंने पटक करके वीडियो कर लिया है, बहुत ही बहुत बहुत अच्छा लग रहा है देखने के लिए। तो अभी शाम हो चुका है, और हम रुई को पूरा स्वेटर पहना दिया है क्योंकि बहुत ठंड लग रहा है, मैंने भी पूरा स्वेटर वेटर पहन लिया है, और बाहर भी पूरा अंधेरा हो चुका है, और अभी लगभग 7:30 बज चुका है। तो अभी थोड़ा मैं पी रही हूँ चाय, लाल चाय, तो बहुत ठंड लग रही है इसलिए थोड़ा चाय पी रही हूँ। तो अभी बच चुके हैं शाम के 7:30 बज चुके हैं, 8 बज चुके हैं, और अभी मतलब सारा दिन ट्रेन पे बैठ के मेरा कमर दर्द करने लगा है। तो मैं रुई अभी सो चुकी हूँ, रुई को भी थोड़ा सोना है ठीक से, सारा दिन सो ही नहीं है वो, तो उसको खाना वाना खिला के थोड़ी बहुत सो रही हूँ, तो थोड़ा खाना खाया है, और बाकी अगर रात को भूख लगेगा तो उठ के खा लूँगी। और उधर पर सुमी बैठी हुई है, रुई के पापा और बाकी सब बैठे हुए हैं, तो हम लोग दोनों सो रहे हैं अभी। तो चलिए अभी सोते और खाना खाते, तो वाला वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी। अगर
और हर बार जैसे कि रुई ट्रेन पे जाती है उसका फ्रेंड हो जाता है, इस बार भी उसका फ्रेंड हुआ है बहुत, मतलब बड़े बड़े लोग हैं। ए वाला भैया से भी रुई का बहुत सारे दोस्ती हुआ है, मतलब हम लोग के कोच में जितना भी लोग है सबके साथ रुई का अच्छे से दोस्ती हुआ है, बहुत खेल रही उन लोगों के साथ, उन लोग भी बहुत हैप्पी है उसके साथ, मतलब उसको बहुत मिस कर रही है ऐसे, मतलब पापा के पास जा रही है उसके बाद भी मिस कर रहे हैं लोग। सभी बच चुके हैं रात के 9:45, और हम लोग पहुँच चुके हैं मालदा। मालदा स्टेशन पे अभी ट्रेन रुकी हुई है। तो मालदा के बाद ये है फरक्का, फरक्का ब्रिज जो लॉक गेट है पानी का वो वाला है, तो फरक्का के ऊपर से जा रहा है, मतलब रात का इतना अच्छा नहीं लगता है, वो गेट नहीं दिखा पा रही आप लोगों को, इधर पे गेट भी है। तो अभी फरक्का के ऊपर से ट्रेन जा रहा है, तो आधा तो आ चुकी हो घर पे, आधा अभी बाकी है। तो हम लोग अभी उतर चुके हैं नवद्वीप में, कलकत्ता वेस्ट बंगाल का नवद्वीप में आ चुके हैं, मतलब मम्मी का घर पे, और अभी बज चुका रात का 3। तो चलिए अभी चलते हैं मम्मी के घर। तो बस स्टेशन के बाहर है मेरा भाई जा रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड आगे आगे जा रहे हैं, और सुमिया चंदन है, और बस स्टेशन के ठीक बाहर पर रुका हुआ है। मोबाइल में आज ज़्यादा चार्ज नहीं है, फिर कल का वीडियो कल से मैं शूट करूँगी आज। तो ये चल गए हम लोगों का ट्रेन, हम लोग उठ रहे ओवर ब्रिज में। मस्त से जाते। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन के बाहर, और हम लोग अभी वेट करने वाले हैं मेरे भाई के लिए, क्योंकि मेरे भाई आने वाली है, उसके बाद वो लेके जाएंगे। आ रहे हैं नवद्वीप धाम स्टेशन, तो आप भी इधर आ सकते हो। और अभी चलेगा रात, आप देखिए इधर कितना सारे बर्ड्स है, कुछ बर्ड्स का खुद का आवाज़ देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और वहाँ बारिश भी जम के हो रहा है, पता नहीं रास्ता क्या होगा, मतलब जिस फेस्टिवल के लिए आया वो कितने बारिश में कैसे हो पाएगा। तो देखते देखते मेरा भाई भी आ चुका है, देखिए हम लोगों को लेने के लिए, और बारिश की वजह से पूरा भीगा भूगा और ठंडा मौसम है पूरा। तो अभी फाइनली हम लोग 3 बजे स्टेशन पे है, और स्टेशन को 3 बजे देख के नहीं लग रहा है कि 3 बज चुका है, लग रहा है मतलब क्या है शाम का है, शाम का 6 बज चुका है। और ये रहा मेरा भाई जो आया हम लोग तो इधर पर आ गया मेरा भाई, चलिए अभी चलते हैं।